थाना इतमादपुर के धौरा में 3 दिन पूर्व गायब हुए मासूम उपेंद्र की हत्या करके उसके शव को भूसे के ढेर में छुपा दिया गया था। मासूम के शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। कल मासूम का शव भूसे में मिलने पर गांव में कोहराम मच गया था, जिसको लेकर पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक हुई थी। SSP बबलू कुमार ने सुरक्षा की दृष्टि से गांव में PAC तैनात कर दी थी। आज सुबह मुखबिर की सूचना पर SP पश्चिम रवि कुमार के नेतृत्व में गांव भागुपुर के पास पुलिस से बच्चे के हत्यारोपी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिससे बदमाश वाहिद घायल हो गया, वही दूसरा बदमाश अरमान फरार हो जाने में सफल हो गए। देखिए, आज हमारे यहाँ स्वाट टीम और थाना इतमादपुर की टीम के साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए तत्काल जो हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसका एक साथी जो है वो फरार हो गया है, जिसकी छानबीन के लिए हमने टीमें लगा दी हैं। आपको मालूम होगा कि कल थाना इतमादपुर के धौरा गांव में एक 9 वर्ष के बच्चे जो 2 दिनों से गायब था, उसकी डेड बॉडी गाँव में मिली थी और वो एक बड़ी और दर्दनाक घटना भी थी। चूँकि गांव में ही उसको उसकी मृत्यु कर दी गई थी और गांव भी संवेदनशील था, बड़ा गांव था, उस दृष्टिकोण से हमने SP वेस्ट के नेतृत्व में CO छत्ता और CO इतमादपुर की के नेतृत्व में हमने करीब 6 टीमें बनाई थी और उस घटना का अनावरण करने के लिए बहुत सारे जो है प्रयास किए गए, सभी एंगल पे खंगाला गया था और उसी सूचनाओं के संकलन के क्रम में आज उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए जो उसमें दोषी अभियुक्त थे, दो वाहिद और अरमान, उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो वाहिद है उसको पैर में गोली लगी है, वो इलाज के लिए उसको भेजा गया है और दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। सर, हत्या क्या वजह रही, क्यों हत्या की? देखिए, अभी चूँकि उसे तत्काल वो घायल हुआ है और उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है, अभी उससे थोड़ी पूछताछ और की जाएगी और विस्तृत जानकारी आपको जो है दी जाएगी।